गुरु जी को मेरा प्रणाम, संगत जी को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम जूही जैन है और मैं गुरु जी के दरबार में 1999 से आ रही हूँ, पर आज तक मुझे कभी भी कोई सत्संग करने का मौका नहीं मिला। कुछ मेरे डर की वजह से मैंने कोशिश भी नहीं करी। मैं गुरु जी को धन्यवाद और सत्संग जी आपको भी संगत जी आपको भी धन्यवाद कि आज मुझे ये अवसर प्रदान हुआ। मैं 1999 में आवाज देहरादून और मेरे इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो गया था। उस समय मेरा ऑपरेशन वहां पे हुआ और उन्होंने 2.5 feet ऑफ इंटेस्टाइन मेरी निकाल दी। वहां से एक महीने बाद उसके मेरे सारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई और लगातार खांसी रहती थी मुझको, और बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो खांसी और जॉइंट पेन नहीं जा रहा था। इवन आई कैन नॉट वर्क, में छोटे छोटे काम, बाल बांधना, खाना बनाना कुछ भी नहीं कर सकती थी, बच्चों के काम भी नहीं कर सकती थी। ये चलता है चलता है 2-3 महीने बीत गए। सितंबर 1999 में मेरे हस्बैंड को दिल्ली आना था किसी काम से, तो मैं भी उनके साथ साथ यहाँ आ गई। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड दर्शन आंटी रहती थी और उन्होंने एक दो बार अपने गुरु जी का जिक्र करा था, तो हमने दर्शन आंटी को फोन करा कि हम लोग यहाँ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो दर्शन बोली कि मैं तो गुरु जी के यहाँ आई हूँ, तो यही आ जाओ तुम लोग। तो हमने सोचा चलो गुरु जी को भी देख लेते हैं दर्शन के, और दर्शन से तो मिलना हो ही जाएगा। हम वहां से गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए। वो उस टाइम में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में बैठते थे। वहां गए तो मैंने देखा कि उन्होंने ब्लू कलर का चोगा पहन रखा था, पैरों में शूज पहन रखे थे। सो आई जस्ट लाफ्ड, मैंने कहा ये गुरु जी है, ये तो बिल्कुल ही शकार जैसे लग रहे हैं जैसे एक मूवी में आया करते थे। एंड मैं जाके मैं संगत में पीछे जाके बैठ गई, तो गुरु जी ने इशारे से मुझे बिल्कुल अपने पास बुला के बिठाया और मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम जूही जैन है। तो उन्होंने मेरे से बोला आया कर, फिर बोले थोड़ी देर बाद बोले दिल्ली आ जा। मैंने कहा जी गुरु जी। उसके बाद हमने जो जो दर्शन कर रही थी उसी तरह से प्रसाद लिया, लंगर खाया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और हम लोग वापस अपने होटल आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे वापस जाना था। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे खांसी भी नहीं है, मेरे जॉइंट्स में पेन भी नहीं है एंड स्वेलिंग भी नहीं है बिल्कुल भी। आई थॉट ऐसे कैसे हुआ, लगता है कि दिल्ली का हवा पानी बदलने से वहां से आके ये ठीक हो गया। उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये गुरु जी ने करा। हम लोग वापस आ गए अपने होम टाउन। वहां आके एक दिन दर्शन का फोन आया कि कैसा लगा। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है जैसा था, पर गुरुजी के यहाँ जाने के बाद जब मैं आई तो मेरी स्वेलिंग नहीं थी हाथ में, और ये अभी तक भी नहीं आई है। देखती हूँ कि अब आ जाएगी, अब किसी दिन आ जाएगी या हाथ उठना बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दर्शन जस्ट लाफ्ड, उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे हस्बैंड काफी सालों से दिल्ली अपना काम जमाने की कोशिश कर रहे थे, बट दिसंबर वो यहाँ पे नवंबर में किसी काम से आए, उसके बाद यही रुक गए। और दिसंबर 11 दिसंबर के आसपास उन्होंने मुझे फोन किया शायद 8 दिसंबर को कि बच्चों का सामान बांध लो और दिल्ली आ जाओ, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन मैंने बच्चों की 2 अटैची पैक करी, अपना बाकी सब सामान नहीं छोड़ा, और हम लोग 3 अटैची लेके आई डोंट नो किस तरह से 11 दिसंबर 1999 को दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहां से हमारा गुरु जी के पास साथ का सफर शुरू हुआ। फिर हम लोग गुरु जी के यहाँ हर शाम को पहुंच जाते थे। रीजन नहीं मैं बता सकती, पर हमें वहां जाके अच्छा लगता था। वहां पे हमारा लंगर भी नहीं होता था, बच्चों को घर पे दादी के पास छोड़ा और हम पहुंच गए गुरु जी के यहाँ। इसी तरह चलता रहा चलता रहा। कुछ टाइम बाद 2000 में आई थिंक हमने एक गाड़ी खरीदी क्वालिस, और हम सबको देखते थे कि सब लोग गुरु जी को बताते हैं कि हमें वहां जाना है, परमिशन लेनी है, और गुरु जी कई बार मना भी कर देते थे। तो हमने गुरु जी को ये बात नहीं बताई कि हम लोगों ने राजस्थान का ट्रिप अपने दोस्तों के साथ बना लिया, हमारा एक फैमिली और हम लोगों ने बनाया कि हम लोग जोधपुर उदयपुर सब जगह घूमने जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जिस दिन जाना था उस दिन हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए, और गुरु जी ने मुझे बुला के एक हाथ में कार्ड पकड़ा दिया कि कल सुबह सोनीपत में एक स्कूल का इनॉग्रेशन है,
मैंने कार्ड लिया और अपने हस्बैंड के पास जो संगत में बैठे हुए थे उनके पास आई। तो उनके गुरु जी ने कहा है कि वहां आना है और गुरु जी ने कहा पूरा फंक्शन अटेंड करना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके गुरु जी को बताओ कि ऐसे ऐसे हमारा तो कल सुबह राजस्थान जाने का प्रोग्राम है। तो सब बुकिंग हुई भी है। मैं वापस गुरु जी के पास गई। मैंने कहा गुरु जी हमारा राजस्थान जाने का प्रोग्राम है, सारी बुकिंग हुई हुई है जो कैंसिल नहीं हो सकती, तो आज्ञा दीजिए। गुरु जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत गुस्से से कहा जा फिर। आई थिंक उन्होंने जाई फिर बोला या जा फिर, मगर उनका मतलब ये था कि जाओ फिर जहां जाना है। अब हम घर आ गए। घर आके हम सोचते रहे कि अपने फ्रेंड्स को कैसे मना करें, ये भी ठीक नहीं है। तो ये प्लान बना कि उनको अपनी गाड़ी में बिठा के और पहले सोनीपत जाएंगे और वहां से हम दर्शन करने के बाद गुरु जी की आज्ञा लेके चलते जाएंगे। सोनीपत पहुंचते हम लोग सुबह सुबह। गुरु जी ने देख लिया पर बात नहीं करी। थोड़ी देर बैठे पर जाने की जय भी बहुत दिमाग में थी, तो गुरु जी के पास थोड़ी 10 मिनट बैठे, उसके बाद माथा टेका और वहां से हम लोग अपनी ट्रिप की तरफ चल दिए। हम लोग पहले जाओ जोधपुर पहुंचे और हमने अपनी कॉलेज पास करी। मेरी बेटी उतरने लगी, जो हमारे फ्रेंड थे उनके बच्चे भी उतरने लगे। आया जिंदा कार और मेरे हस्बैंड कॉलेज में बहुत बड़ा एक पीछे का दरवाजा होता है उसके पास खड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहां से एक मिनी बस ने आके कॉलेज पे बैक करते हुए आके मारा। मेरे हस्बैंड भी बच गए, बच्चे भी बच गए, पर कॉलेज का पूरा दरवाजा टूट गया। हम समझ ही नहीं आया क्या करें। सर गुरु जी ने यहाँ पे बहुत रक्षा करी, बच्चों की रक्षा करी, क्योंकि विदिन अ सेकेंड मेरे हस्बैंड को भी कुछ हो सकता था और बच्चों को भी दोनों के कुछ हो सकता था। फिर उन्होंने ही तरीका भी निकाला कि अब हम आगे कैसे जाएंगे। जोधपुर में जो फ्रेंड हमारे साथ गए थे उनकी कोई कजिन SSP थी। उन्होंने वो गाड़ी रात में ही ठीक कराई, हम उन्हीं के घर बैठे रहे और फिर हम अगले जगह निकले। रात को रुके, एक दो दिन घूमे और उसके बाद हम जोधपुर से उदयपुर की तरफ चल पड़े। उदयपुर में जाते ही जैसे ही हम घुसे तो हमारे जो फ्रेंड थे उनको हार्ट की ट्रबल हो गई, तो यहां भी गुरु जी ने रक्षा करी। सामने ही हॉस्पिटल था तो उनको फर्स्ट एड मिल गई वहां पर। हमने कहा पता नहीं हमने क्या करा, हमने बहुत गलती करी, हमने गुरु जी की आज्ञा नहीं ली थी और आ गए यहाँ पर। फिर भी गुरु जी हमें बचा रहे हैं। हमने उदयपुर भी घूमा, आगे का ट्रिप ठीक रहा। वहां से हम जैसलमेर गए, जैसलमेर से फिर हम बीकानेर गए। बीकानेर में हम बहुत अच्छी एक होटल में रुके, मगर उसमें रात में आग लग गई। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरे ट्रिप में 3 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें कि बचने की उम्मीद नहीं थी और गुरु जी हर बार हमें बचाते चले गए। पर आग जिस तरफ लगी, हमारा कमरा पास में था पर हमारे कमरों में कहीं कुछ आग नहीं हुई। उसमें से निकले और हम लोग फिर जब वापस आए तो आते ही हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे, हाथ जोड़े। तो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड से गुस्सा होकर कहा कि तू तो बाहर बैठ, और मुझे कहा कि तुम यहां बैठ सकती हो, पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। कुछ समय पश्चात गुरु जी जलंधर चले गए। अब हमने कहा कि गुरु जी ने हमें माफ नहीं करा और वो जलंधर चले गए, अब क्या किया जाए। तो हम भी पीछे पीछे एक दिन प्रोग्राम बनाया, बच्चों को यहाँ छोड़ा, हम भी जलंधर चले गए उनके पीछे पीछे। हमें वहां पहुंचते देख के गुरु जी ने कहा क्यों आए। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा तू तो बाहर बैठ। उन्हें वापस जहां पे वो जूते उतारते हैं वहां पे बैठने के लिए कह दिया। और हम लोग जो थे मैं अंदर बैठी रही। जब लंगर वगैरह कर लिया तो गुरुजी ने कहा कि तुम अभी वापस जाओ दिल्ली। अब समझ नहीं आया कि हम कैसे जाएं दिल्ली वापस, तो उन्होंने किसी के साथ अरेंज कर दिया कि तुम्हें आज ही वापस जाना है। हम लोग वापस रात में उनकी गाड़ी में बैठे, सुबह को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आके हमने देखा कि अब हम अपना टिकट कैंसिल करा दें, तो देखा वो टिकट तो अगले दिन का था, जिस दिन हमें आना था उससे अगले दिन का था। तो गुरुजी को यह बात मालूम होगी कि हमारा टिकट गलत है
और फिर भी हम इसीलिए उन्होंने हमें भेज दिया। इन बिटवीन मेरे बच्चों का एडमिशन उन्होंने करवाया स्कूल में, जो कि उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। और मेरी छोटी बिटिया बीमार हुई, उसको ठीक करा उन्होंने। इसी तरह से छोटी 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 चीजें चलती रही। फिर एक बार गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी सॉरी, वो वापस जब दिल्ली आए तो मैंने कहा, गुरुजी माफ कर दीजिए, सॉरी आगे से नहीं होगा। तो वो हंसने लगे, बोले कि कल्याण किता। और फिर मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने अंदर बैठने की परमिशन दे दी। हम लोग फिर उसी तरह से रोजाना आने लगे उनके यहाँ सत्संग में। एक बार गुरुजी के बर्थडे पर उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि इस बार प्रसाद में आम बटेंगे और तू अपने बाग से आम लेकर आएगा। तो उस बार आम का प्रसाद बटा गुरुजी के जन्मदिन पे। और फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि तेरी इच्छा पूरी करी, हमें समय ब्लेस करा। हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ और क्या इच्छा पूरी करी। हमने सोचा कि कुछ अच्छा ही है, गुरुजी ने कहा है। थोड़े टाइम बाद आई वाज 42 ईयर ओल्ड और मेरी इंटेस्टाइन की भी सर्जरी हुई हुई थी एंड मेरा यूट्रस भी स्टिच था एंड आई कंसीव्ड। तो मेरी जो तीसरी बिटिया है वो गुरुजी की देन है। और जब भी तबीयत खराब होती थी मैं वहां मंदिर जी पहुंच जाती थी और गुरुजी जब एक निगाह डालते थे उसी टाइम तबीयत ठीक हो जाती थी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी बहुत रिस्की थी। पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल आराम से निकली और मेरी बिटिया हुई। थोड़ी देर जब वो एक दो महीने की हो गई या शायद 3 महीने की, हमने उसका नाम आद्या रखा और उसको लेके पहली बार गुरुजी के मंदिर में पहुंचे। गुरुजी ने छोटी सी संगत थी उस दिन, गुरुजी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और बहुत कम लोग बैठे हुए थे, काफी देर हो चुकी थी रात को। और मैं वहां बैठी हुई थी उसको गोद में लेके अपनी बेटी को, तो गुरुजी वहां से उठे अपनी गद्दी से और इसकी तरफ देखा और अपने कमरे की तरफ चले गए बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। और 2 मिनट बाद वो वापस निकल कर आए और उन्होंने पूछा इसका नाम क्या है। मैंने कहा इसका नाम आद्या है। उन्होंने कहा इसका नाम महिमा रखो, महिमा बोलो इसको। तो हमने इसका नाम आद्या की जगह महिमा रख दिया। और हमने कहा गुरुजी ने कहा तो अब इसमें हम कुछ सोचेंगे नहीं, इसका नाम महिमा रहेगा। इसी पर थोड़ा समय और बीत गया, इसके कान में पस आने लगी और हमें लगा शायद ये ठीक से सुन नहीं पाती है। तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जैसे कि सब जगह होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके ईयरड्रम में रप्चर हो गया है इस वजह से, और बच्चों को हो जाता है बट स्टिल इसको वो आने बंद नहीं हुई। तो हम इसी तरह से फिर गुरु जी के पास पहुंचे कि गुरु जी ये ठीक नहीं हो रही है। तो गुरु जी ने कहा, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं करी, उन्होंने बस ये कहा कि अपने लिए नहीं मांगा कर, औरों के लिए मांगा कर। तो उस दिन से जब भी दिक्कत होती है कुछ होता है तो हम गुरु जी के ऊपर सब बातें छोड़ देते हैं, गुरु जी आप देख लेना। पर कोशिश ये करते हैं कि हम अपने लिए ना मांगे, पर उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी जरूर कर देते हैं एज अ ह्यूमन बींग की गुरु जी बस अब आपकी जिम्मेदारी है, आप देख लेना। और उसके कान अपने आप ठीक हो गए उसके, ये इंसिडेंट होने के बाद, गुरु जी की ये कहने के बाद वो अपने आप ठीक हो गए। इन बिटवीन और बहुत सारी थोड़ी 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 बातें होती रही, पर मैं आपको अभी लेटेस्ट नए 2-3 सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बीच वाली जो डॉटर है उसका फ्रेंड की मदर कोमा में आ गई अचानक की, उनकी थोड़ा सा उनको फीवर हुआ और वो कोमा में आ गई। तो वो मेरे पास आई, मम्मा वो जो आप जानती हैं मेरे फ्रेंड की उसको, उसकी मम्मी कोमा में आ गई है और उनके ऑर्गन फेल होने लगे हैं। जैसे जरा 2 साल पुरानी बात है, 2 या 2.5 साल पुरानी। और डॉक्टर से कहा कि अगर वो 24 आवर्स में रिवाइव नहीं करती, कुछ पॉजिटिव साइन नहीं देती, तो उनके बचने की उम्मीद नहीं है। एंड उसके एक छोटी बहन भी है
जो कि अभी 6th क्लास में है, वो तो बहुत छोटी है, दोनों में बहुत गैप है, और उसके घर में दादाजी भी है। क्यों? मेरे मन में आया तो मैंने कहा गुरु जी ठीक कर देंगे, देखा कुछ नहीं होगा उसको उनको। देन आई कॉल, उससे नंबर लेके उसके फ्रेंड को कॉल करा, तो मैंने बोला मैं तुमको एक फोटो भेज रही हूँ अपने गुरु जी की, इसको तुम डाउनलोड करके और सोचने नहीं अपनी मम्मी के पेड़ों के नीचे रख दो और वो जरूर ठीक हो जाएंगी। और फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब आपके नाम पे कह दिया, मुझे नहीं पता, अब आप संभाल लीजिए। अगले दिन 12-13 घंटे बाद उनमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ एंड विद इन 2 डेज वो कोमा में से बाहर आके घर भी वापस आ गई। मैंने उन बच्चों से ये जरूर कहा था कि जब मम्मा ठीक हो जाए तो तुम एक बार गुरु जी के मंदिर हो आना। उन्होंने कहा हाँ आंटी हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो भूल गए। करीब 1-1.5 महीने बाद उसकी मम्मा की फिर तबियत थोड़ी सी खराब हुई, तो उसने मुझे फोन करा कि आंटी मम्मा की तबियत फिर थोड़ी खराब है। मैंने कहा तुम सबसे पहले गुरु जी के मंदिर जाओ, मम्मी नहीं जा सकती, उनको मत ले जाओ। तो ये सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होके गुरु जी के बड़े मंदिर गए, गुरु जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसकी मम्मी कंप्लीटली ठीक हो गई। उसके बाद आज तक उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम कहीं सत्संग करते हैं या होते हैं तो वो बच्चे कोशिश करते हैं कि वो लोग उस सत्संग को अटेंड करें। फिर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड को यूरेथ्रा का कैंसर हो गया और हमने कहा कि अरे अमित को कैंसर हो गया है, तो हम बड़े मंदिर आए और हमने उनके लिए गुरु जी का एक स्वरूप लिया कि हमें अपने फ्रेंड को देना है, उनकी तबियत ठीक नहीं है। उन्हें बिना बताए हम उनके घर के पास पहुंचे और हमने कॉल करा कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। यानी हमने उनसे कहा कि हम मंदिर से आ रहे हैं, ये स्वरूप लेके आ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आ जाओ। और 5 मिनट बाद हम जैसे ही हाउस खास पहुंचे उन्होंने फोन करके कह दिया कि नहीं आओ, हमें मन नहीं कर रहा है कि कोई आए हमसे मिले। हम लोग वापस आ गए और वो स्वरूप जो है हमने अपनी कार में लगा लिया। अगली बार वो उसमें से निकल आया, देन अगेन उसको फिर से वो कैंसर दोबारा से एक्टिवेट हो गया सब कीमो वगैरह के बाद। फिर पता चला तो परेशान हुए और फिर हम गुरु वहीं गए तो हमें किसी ने गुरु जी का स्वरूप दिया वहां पे, बड़े मंदिर में तो नहीं पर कहीं और से मिला, तो वो लेके हम आए। हमने सोचा हम फिर से उनको दे देते हैं, इस बार गुरु जी कल्याण करेंगे। इस बार भी सेम हुआ, ही हिमसेल्फ कॉल्ड की मता, तो मैं वो स्वरूप लेके अपने घर आ गई और उसको मैंने मंदिर में रख दिया। करीब 3-4 दिन बाद हमारे घर में सीपे जानी शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि जिनके घर से सीपे जा रही है बराबर वाले घर में ऊपर, मैं वहां जाती हूँ, जरा उनसे कहती हूँ कि वो अपनी बालकनी में चेक करा ले। तो वहां पे गए हम ऊपर, तो वहां पे एक ग्रैंड मदर अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और उनके बेटे की भी डेथ हो चुकी थी, हस्बैंड की भी, और उनकी जो डॉटर इन लॉ है बच्चों की मदर, उनको कैंसर हो गया था। और शी वाज क्राइंग कि एक ही है केयर टेकर और उनको भी ये हो गया। तो जस्ट उन्हें जैसे केम बैक और वो जो स्वरूप मुझे मिला था जो मेरे को उनके फ्रेंड को देना था वो मैंने उनको दे दिया। एंड कुछ टाइम बाद उनकी खबर आई कि वो ठीक हो गई है, एंड शी इज कम्प्लीटली फाइन। 2 साल के करीब की बात हो गई है, 2 साल की बिल्कुल ठीक है। 3rd टाइम मुझे दर्शन आंटी ने गुरु जी की एक बुक दी, डिविनिटी ऑफ लाइफ, लाइट ऑफ डिविनिटी। वो फिर हमारे हाथ में आई तो हमने सोचा कि अब जिसको जरूरत होगी उसको दे देंगे। तब उनके फ्रेंड का एकदम फोन आ गया कि तुम आज आ जाओ, हमारे यहाँ सत्संग था जिसमें वो बुक लेकर आई थी दर्शन आंटी। तब हम उनके पास पहुंचे और उनको वो बुक दी और उसके बाद से ही इज कम्प्लीटली फाइन। तो लगता है कि जब तक समय नहीं आया था तब तक गुरु जी ने उनके यहाँ वो स्वरूप नहीं पहुंचा गुरु जी का, और जब ठीक होने का समय आया गुरु जी ने सहायता करने की का वो हुआ, तब वो उनके पास वो स्वरूप पहुंच गया। अभी एक लेटेस्ट ये हुआ कि 4 अक्टूबर दिसंबर को मैं वॉक करके आई
तो मेरा पल्स रेट जो था वो 150 पहुंच गया। आजकल कोविड की वजह से सबके ऑक्सीमीटर रहता है, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो रही थी, तो बच्चों ने कहा कि हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेते हैं, तो देखा कि पल्स रेट 150 है। इसके आहिस्ते आराम से लेती रही, सुबह उठी तो मेरे जॉ पेन और ब्रेथलेसनेस एंड साथ में थोड़ा सा चक्कर ये सब चीजें शुरू हो गई थी, पर ब्रेथलेसनेस बहुत थी और पल्स रेट भी बहुत था। संडे था तो ये लोग मुझे हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल है, भारद्वाज हॉस्पिटल, वहां ले गए। उन्होंने ईसीजी करा मेरा और उन्होंने कहा ये तो बहुत खराब ईसीजी है और इनको तो हार्ट फेल होने वाला है। हमने वो जो कार्डियोग्राम की रिपोर्ट थी वो मेरे संगी के पास भेजी, रीजन सिंगापुर। उन्होंने कहा कि एक भी कदम नहीं चलो और उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेडिसिन बताई पूछ के। वो इमीजिएटली उन लोगों ने मुझे इंजेक्शन और मेडिसिन दे दी। पर जब हम घर से जा रहे थे, बच्चे ले जा रहे थे, तो मैं गुरु जी की एक पुस्तक लाइट ऑफ डिविनिटी एवरी डे रात को पढ़ती हूँ, सोने से पहले जो भी सत्संग खुल जाए वो पढ़ लेती हूँ। तो उसमें एक बुक मार्क की तरह से गुरु जी का ही स्वरूप भी रखा हुआ है। तो जाते हुए मुझे कुछ और तो मिला नहीं, मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने साथ ले लिया था और वो कॉन्स्टेंट मेरे साथ रहा। अब वहां पे उन्होंने कहा भारद्वाज हॉस्पिटल में कि हम यहाँ पे तो कोई भी हार्ट डॉक्टर नहीं है, वो तो कल ही देखेंगे। तो मुझे उन लोगों ने कैलाश हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया। वहां पहुंच के उन्होंने फिर से ईसीजी करा, तो उन्होंने कहा जैसा वो बता रहे हैं ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, थोड़े से चेंजेस है। तो मेरे हस्बैंड बोले तेरे को तो गुरु जी ने ठीक कर दिया। मैंने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे ठीक कर दिया। स्टिल डॉक्टर्स ने राय करके मुझे CCU कार्डियो केयर यूनिट में ऑब्जर्वेशन के लिए पहुंचा दिया। वहां पे उन्होंने वही अपना हॉल्टर और इको जो भी टेस्ट होते हैं वो सब करने के लिए ECG भी सब शुरुआत कर दिया। शाम को मेरे हस्बैंड जब वहां पे आए तो मैंने कहा कि तुम मेरी वो गुरुजी वाली पुस्तक ला देना, लाइट ऑफ डिविनिटी, क्योंकि उसी से मुझे आंसर मिलते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उसमें ही आंसर ढूंढती हूँ। तो वो बुक लिया, शाम हुई, मैंने वो बुक खोली तो उसमें जो पेज खुला उसमें सत्संग था किसी का समोसा क्योर के नाम से, और वो जो सत्संग जिन्होंने शेयर कर रखा था बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरे साथ हुआ उसमें था कि हम जिन्होंने शेयर करा था उनका पल्स रेट अचानक ही 180 हो गया और उनको भी सांस फूलने लगा और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए टाइम दिया और वो पहले गुरुजी के दरबार में परमिशन लेने के लिए आए कि गुरुजी ऐसे ऐसे है। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है और उन्होंने 5 समोसे फोड़ के उनको खिलाए अपने हाथ से चूरा करके और बोले ठीक हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने जब ये सत्संग पढ़ा तो मैंने कहा कि ये गुरुजी ने हमको बताया है कि कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं है। तो रात को डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि आपकी परमिशन चाहिए एंजियोग्राफी के लिए। मैंने कहा मुझे एंजियोग्राफी नहीं करानी है, आप लोग तो स्टेंट डाल देंगे और मैं ठीक हूँ, गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया है, तो आप मुझे ऐसी मेडिसिन दे दीजिए जो भी देनी है। तो उन्होंने कहा किस चीज की मेडिसिन दे, जब हमें पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये ब्रेथलेसनेस हो रही है, अभी भी आप उठ रही है बोल रही है तो भी आपकी सांस फूल रही है। तो खैर अगले दिन डॉक्टर गंभीर आए, उन लोगों ने सबने मुझसे कहा कन्विंस कर लिया कि फिर कुछ होगा फिर दोबारा आप हॉस्पिटल आएंगी, तो इससे अच्छा एंजियोग्राफी करानी है, ऐसा कि बिल्कुल ठीक रहेगा, पर मेरे साथ में गुरु जी का जो स्वरूप है ये मेरे पास रहेगा, ऐसा नहीं कि एंजियोग्राफी करते हुए आप इसे मेरे पास से हटा दें। उन्होंने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और वो एंजियोग्राफी के लिए अंदर ले गए। गुरु जी का स्वरूप मेरे साथ रहा और बहुत जल्दी उन्होंने एंजियोग्राफी करके पूछा कि कुछ पता चल रहा है सरू, तो उन्होंने कहा कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन, और ये जो अटैक हुआ था ये पल्यूशन और पैनिक अटैक था जिससे कि हाथ में से थोड़ी स्पैज्म आ गई थी और कोई एंजाइम नहीं बढ़ा हुआ। और बस उन्होंने 2-3 घंटे बाद मुझे हॉस्पिटल से घर वापस भेज दिया।
गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही मेरे ऊपर। हमेशा उन्होंने जब भी कुछ भी दिक्कत हुई, मैंने हमेशा ये कहा कि गुरु जी आपकी जिम्मेदारी है, आप देख लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। और हमेशा उन्होंने किसी ने तो, जब भी मैंने वो बुक खोली, हमेशा उसमें से कोई ना कोई आंसर हमेशा मिला। एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मेरी बेटी यूएस में थी पिछले साल, और उसका फोन आया कि मम्मा मेरे में वाइट वाइट पैचेस हो रहे हैं। एंड मुझे लगा मेरे फादर को कोरोना है, तो मुझे लगा कि कहीं वो तो नहीं हो गया। एंड आई स्टार्टेड हाइपरवेंटिलेट, रोना सब शुरू हो गया कि क्या हो गया क्या हो गया। देन अगेन मैंने आके गुरु जी की लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, तो उसमें तुरंत लिखा हुआ आया नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड हर, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ तुझे, तू ठीक है। और उसने वहां पे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये सन से एंड्राइड स्किन से तुमको हो रहा है। तो बहुत बहुत कृपा गुरु जी की, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, और संगत जी आपका भी कि आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया। गुरु जी हमारे पिता की तरह मानते हैं हम गुरु जी को, और कुछ भी दिक्कत होती है तो हम गुरु जी से ही कहते हैं, और वो हमेशा हमेशा हमारा साथ देते हैं। औरों के लिए भी जब भी प्रार्थना करी तो वो भी हमेशा पूरी हुई, जब भी मन से प्रार्थना निकली। जय गुरु जी।